हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू फास्ट एंड टैक रिव्यू। गाइज, ये हुंडई वेन्यू की ई ऑप्शनल वेरिएंट और आज हम करेंगे इसकी फास्ट एंड टैक रिव्यू। इसे 2023 में ही लॉन्च किया गया है और ये इसकी फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट है। इसकी असेंबली इंडिया में ही की जाती है। इसके एक्स शोरूम प्राइस 7,71,000 यानी 7,71,000 रुपए रखी गई है। ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इसमें 3 ईयर्स और 1,00,000 किलोमीटर वारंटी ऑफर की गई है। आपको अच्छा वैल्यूएबल कॉन्टेंट देना है मेरा कर्म, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना आपका धर्म है कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें फ्रंट लुक की, तो यहाँ हैलोजन बेस्ट इंडिकेटर के साथ यहाँ हैलोजन बेस्ट रिफ्लेक्टर हेडलैम्प विद कॉर्नरिंग लैम्प दिया गया है। इसके नीचे ब्लैक बम्पर स्ट्रिप और सिल्वर स्किड प्लेट प्लेस किया गया है। इसके अलावा बात करें डायमेंशंस की, तो वेन्यू के साथ 4,595 mm लेंथ, 1,770 mm विड्थ, 195 mm ग्राउंड क्लियरेंस और 2,500 mm व्हील बेस के साथ 15-inch स्टील अलॉय व्हील्स विद फ्रंट टायर डिस्क ब्रेक्स ऑफर किया गया है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में फेंडर माउंटेड टर्न इंडिकेटर, मैनुअल फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVM, ब्लैक्ड आउट ए एंड बी पिलर्स और बॉडी कलर डोर हैंडल्स के साथ नीचे ब्लैक बॉडी ग्लाइडिंग दी गई है। वहीं बात करें रियर प्रोफाइल की, तो यहाँ कनेक्टिंग डिजाइन रिफ्लेक्टर, स्टॉप लैंप और टर्न इंडिकेटर के साथ नीचे रियर पार्किंग लैंप, रिफ्लेक्टर, सिल्वर स्किड प्लेट और 2 points रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाता है। इसके अलावा सेंटर में हुंडई का लोगो, वेन्यू की ब्रांडिंग और ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ शार्पन एंटीना प्लेस किया गया है। यह फ्यूल फिलर कैप विद 45 liters कैपेसिटी टैंक, ये इसकी सिंपल की, इससे आप अपने डोर को मैनुअली सेंटर लॉक कर पाएंगे। वहीं बात करें ड्राइवर साइड डोर ट्रिम की, तो इसमें ब्लैक एंड बीच थीम के साथ स्मॉल स्पेस, पावर विंडो बटन्स और स्पेस के साथ 4 speakers एंड 2 tutors प्लेसमेंट स्पेस दिया गया है। यह ब्लैक एंड बीच अपहोस्ट्री, इसमें डिसेंट साइज अंदर थाई सपोर्ट, स्ट्रिचिंग, रिक्लाइनिंग सीट बेल्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। यह फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें स्पीड, RPM, रेंज, एवरेज, फ्यूल लेवल, बैटरी लेवल, कूलेंट टेम्परेचर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ट्रिप टाइम, हेडलाइट इंडिकेटर और टर्न इंडिकेटर जैसे सभी रीडिंग्स क्लियरली शो हो जाएंगे। यह 3 spokes ब्लैक पावर स्टीयरिंग व्हील, इसमें लोगो, हॉर्न बटन, एयरबैग और टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल, हेडलैम्प कंट्रोल और वाइपर कंट्रोल मिल जाता है। इसके अलावा ड्राइवर साइड डैशबोर्ड में हेडलैम्प लेवलर और एसी वेंट के साथ फ्रंट सेंटर कंसोल में इंफोटेनमेंट प्लेसमेंट स्पेस, डुअल एसी वेंट्स, हजार्ड लाइट बटन, मैनुअल एसी कंट्रोल, 12-volt सॉकेट, USB चार्जिंग पोर्ट और स्पेस मिल जाता है। यह 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन विद कन्वेंशनल रिवर्स। इसके अलावा लेफ्ट साइड डैशबोर्ड में स्पेस और डिसेंट साइज ग्लव बॉक्स के साथ ऊपर डे एंड नाइट मैनुअल एडजस्टेबल IRVM, ड्राइवर साइड सन वाइजर, पैसेंजर साइड सन वाइजर और सनग्लास होल्डर प्लेसमेंट मिल जाता है। इसके अलावा यह स्मॉल स्पेस, 12 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक और बॉटल होल्डर दिया गया है। बात करें पैसेंजर साइड डोर ट्रिम की, तो इसमें मैनुअली एडजस्टेबल विंडो लीवर, स्मॉल स्पेस और नीचे बॉटल होल्डर के साथ स्पीकर ग्रिल दिया गया है। इसके अलावा रियर कैबिन में भी सेम अपहोस्ट्री दिया गया है। इसमें 60-40 स्प्लिट सीट ऑप्शन, डिसेंट साइज अंदर थाई सपोर्ट, सीट बेल्ट और ट्रिपल एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। इसके अलावा कैबिन में रीडिंग लाइट और हैंडल बार मिल जाता है। वहीं बात करें बूट की, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओपनिंग बटन के साथ 350 liters लगेज स्पेस, टूल किट और 15-inch स्टील स्पेयर व्हील दिया गया है। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयर बैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर, मैनुअल सेंटर लॉकिंग, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग, फ्रंट टायर डिस्क ब्रेक्स और 3-point सीट बेल्ट्स विद रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए गए हैं। वहीं बात करें वेन्यू ई ऑप्शनल के इंजन बे की, तो इसमें 1.2 liter 4-cylinder पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है, जो 82 bhp पावर और 113 Nm टॉर्क के साथ 17 km/l एवरेज प्रोड्यूस करती है। तो गाइस, ये थी हुंडई वर्ना 2023 ई ऑप्शनल पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की फास्ट एंड टैक रिव्यू। आपको कैसी लगी ये बेस ऑप्शनल सब कॉम्पैक्ट SUV, कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी रिव्यू के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।